हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंठकारी के फायदों के बारे में। क्या कंठकारी का काढ़ा पथरी, मुहासों, जोड़ों के दर्द और खांसी में लाभदायक है? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद में कंठकारी के कई फायदे हैं। इसकी पत्तियों के किनारों पर कांटे होते हैं और इसमें बैंगनी रंग के फूल आते हैं। कंठकारी में पोषक तत्व। कंठकारी में ग्लाइकोसाइड्स, प्रोटीन, पोनिन्स, लिवेनोएड्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि होता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कंठकारी के फायदों के बारे में। नंबर एक, दमा। दमा होने पर 20 से 40 मिलीग्राम कंठकारी के जड़ का काढ़ा या 2 से 5 ग्राम पत्तों का रस या फल के अलावा पूरे पौधे को सुखाकर चूर्ण बना लें और 3 से 6 ग्राम शहद के साथ सुबह और शाम लेने से आराम मिलता है। नंबर दो, खांसी। खांसी में 15 से 20 मिलीग्राम पंचांग का काढ़ा 1 ग्राम काली मिर्च के साथ लेने से आराम मिलता है। अगर पुरानी से पुरानी खांसी भी है तो 2 से 5 ग्राम पत्तों का रस, आधा ग्राम छोटी पीपल व शहद मिलाकर काढ़ा सुबह शाम पीना चाहिए, फायदा होगा। नंबर 3, जोड़ों में दर्द। जोड़ों के दर्द में 20 से 30 मिलीग्राम जड़ का काढ़ा दिन में 2 से 3 बार पीना चाहिए। नंबर 4, पथरी। यूरिन की नली में पथरी होने पर पौधे का रस 10 से 15 मिलीग्राम पीने से लाभ मिलेगा। नंबर 5, मुहासे। कंठकारी के पत्तों को पीसकर उनका लेप बनाकर मुहासों व झाइयों पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है कंठकारी के फायदों के बारे में। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को ढेर सारा करना है लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।